जाम की सूचना मिली थी तो वही हम लोग जाम को क्लियर करने आए हैं। उसके लिए रोड पर जो गाड़ी लगाकर बाधा पहुंचाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। हम लोग ट्रैफिक सर्जेंट हुए, हम लोग को बड़े पदाधिकारियों का आदेश प्राप्त हुआ कि आप लोग अविलंब जाइए, देखिए भाजपा कार्यालय के पास जाम की समस्या उत्पन्न हो गया है और आम आदमी शिकायत कर रहे तो बार बार, तो हम लोग को कार्रवाई करने का आदेश हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज, ब्रजेश कुमार के साथ हमारी मौजूदगी बिरचंद पटेल पथ में। देखिए यहाँ पे ट्रैफिक एसपी कंट्रोल रूम से एक फोन आया था, यहाँ से गया है कि जो भी पब्लिक हैं उन्हें काफ़ी दिक्कत हो रही है। दिक्कत इसलिए हो रही है कि बीजेपी कार्यालय के बाहर जो है गाड़ी लगा हुआ था, उसको लेकर के आम पब्लिक को दिक्कत हो रही है। हमारे साथ बात जी, हम लोग ट्रैफिक सर्जेंट हुए, हम लोग को बड़े पदाधिकारियों का आदेश प्राप्त हुआ कि आप लोग अविलंब जाइए, देखिए भाजपा कार्यालय के पास जाम की समस्या उत्पन्न हो गया है और आम आदमी शिकायत कर रहे तो बार बार, तो हम लोग को कार्रवाई करने का आदेश हुआ। तो हम लोग आए तो यहाँ देखे कि बहुत सारे गाड़ी डबल लाइन में करके लगाए हुए हैं, जो कि नो पार्किंग में गाड़ी लगे हुए थे। तो अब उसमें जिनका भी गाड़ी हो तो हम लोग को समान कार्रवाई करने का आदेश था। तो हम लोग जितना कार्रवाई होगा करेंगे सर, गाड़ी टो करेंगे या फिर यहीं पर फाइन करके नो पार्किंग का छोड़ देंगे। तो आम पब्लिक का हो, विधायक का हो, मंत्री का हो, क्योंकि ये वीआईपी एरिया है, यहाँ पे कई पार्टी का दफ्तर भी है, तो क्या दफ्तर ये होगा सर? अब जो वरीय पदाधिकारियों का आदेश होगा तो हम लोग को तो सर करना ही, का आदेश होगा तो विधायक को भी चलान काटे होंगे सर? अभी तो हम लोग काटे नहीं हैं सर, लेकिन सभी का वीडियो बना लिए हैं और फोटो तो हम ले लिए हैं, तो जैसा सर आदेश मिलेगा बड़े पदाधिकारी का हम लोग कार्रवाई करेंगे। कितने गाड़ी लगा, क्योंकि वो नो पार्किंग में गाड़ी लगी हुई है, तो ऐसा इसलिए हम लोग वीडियो बना लिए हैं कि ऐसा नहीं कहे कि हम लोग नो पार्किंग में गाड़ी नहीं थे, जिस कारण से भी चलान कटेगी। हाँ सर, अब बड़े पदाधिकारी का आदेश होगा तो कटेगी। यहाँ पे ट्रैफिक डीएसपी ओवन है, हम बात करेंगे इनसे। जाम की सूचना मिली थी तो वही हम लोग जाम को क्लियर करने आए हैं। कितने देर से चला रहे हैं? करीब आधा घंटा हो गया। ये अभियान क्या है सर? ये रोड को क्लियर करना। लेकिन जिस तरह से जो है ये वीआईपी जगह है, यहाँ पे हमेशा गाड़ी आती जाती रहती है, उसको लिए क्या किया गया है ट्रैफिक? उसके लिए रोड पर जो गाड़ी लगाकर बाधा पहुँचाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। प्रोसेस जो रोड बाधित होगा तो फाइन होगा, नो पार्किंग में। किसी का भी गाड़ी हो सर, जिसका भी हो, जो भी हो, जो जो पाया जाएगा उसको देखा।